चलो स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? ओके। हाँ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन नंबर 7। सबके पहले हम क्या करेंगे, आज लेसन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला उसको जो रिड्यूस पार्ट है वो पहला हम कैंसिल करेंगे। ओके। हाँ तो टेक योर पेंसिल एंड मार्क इन योर बुक। ओके एवरीबॉडी इज रेडी स्टार्ट। कैन यू रिकॉल, कैंसिल इट, क्वेश्चन टू कैंसल इट। हाँ देन कैन यू रिकॉल, सबको मिल रहा है? हाँ कैंसल करना है। देन पेज नंबर 50, देर इज नो रिड्यूस पार्ट। देन पेज नंबर 51, देर इज ऑल्सो नो रिड्यूस पार्ट। देन पेज नंबर 52, देर इज नथिंग एंड नो रिड्यूस पार्ट। ओके चलो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। लास्ट टू लेक्चर मध्ये तुम्ही सगळ्यांनी मेटल्स अभ्यास केलेला आहे बघा। हा तर आता फक्त मेटल्स आणि नॉन मेटल्सचा तुम्हाला आता काय करायचं आहे त्याचा पुढचा डिटेल स्टडी बघायचा आहे। तर काय आहे ते पहिल्यांदा समजून घ्या। जो काही तुमचा अभ्यास झालेला आहे त्याच्यावरच तुमचं कॅन यू रिकॉल असतं, त्यामुळे आता कॅन यू रिकॉल तुम्ही क्वेश्चन हे तुम्हाला येणार नाही पण तुम्हाला हे माहिती असणं खूप गरजेचं आहे। समजतंय? कारण आपण पुढचा जेव्हा स्टडी करतो तेव्हा आपल्याला बेसिक नॉलेज असणं खूप महत्वाचं असतं। त्यासाठी मी तुम्हाला हे दोन्ही प्रश्न काय आहेत ते सांगते बघा। व्हॉट आर द थ्री टाइप्स इन विच द एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड? म्हणजेच तुम्हाला जे तुमचे इलेमेंट्स आहेत ते कोणत्या तीन टाइप मध्ये मिळत आहेत? आता फर्स्ट आहे तुमचं इलेमेंट्स कसे मिळतात काय मिळतात हे लास्ट लेक्चर मध्ये तुम्ही बघितलेलं आहे। समजला? म्हणजे तुमचे एलिमेंट्स असतात कंपाउंड आणि मिक्सचर मध्ये। कळतंय? हा। व्हॉट आर द मेटल्स अँड नॉन मेटल्स दॅट वी यूज इन एव्हरी डे लाईफ? आता बघा म्हणजे तुमच्या डेली लाईफ मध्ये तुम्ही जे काही करत असता त्याच्यामध्ये तुम्ही मेटल्स आणि नॉन मेटल्स कसे युज करता? आता त्याच्यामध्ये तुमचं इलेमेंट्सचे जे थ्री टाइप्स विचारलेत की नाही ते तुमचे म्हणजे पहिलं या लेसनशी रिलेटेड तर मेटल्स नॉन मेटल्स आणि मेटॉलाइड असे तीन आहेत ऍक्च्युअली। हा आपण लास्ट लेक्चर मध्ये शिकलो त्याच्याशीच रिलेटेड। आता ते कसं आहे काय आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज काय त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहे त्याचा डिटेल स्टडी आज आपण इथे करणार आहोत। ओके। ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑर मटेरियल्स इन द वर्ल्ड आर मेड ऑफ इलेमेंट कंपाउंड अँड देअर मिक्सचर। क्लिअर झालं सगळ्यांना? आता आपण मॅटर बद्दल जे काही शिकलो त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स कंपाउंड आणि मिक्सचर आले, आणि आता आपण जे काही इलिमेंट्सचा जो डिटेल स्टडी करणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण मेटल्स नॉन मेटल्स आणि मेटॉलाइड्स करणार आहोत। सायंटिस्ट क्लासिफाइड ऑल द इलिमेंट्स इन थ्री जनरल टाइप्स विच आर मेटल्स नॉन मेटल्स अँड मेटॉलाइड्स। अंडरलाईन दिस थ्री वर्ड्स, व्हॉट आर दी मेटल्स, व्हॉट आर दी नॉन मेटल्स अँड व्हॉट आर दी मेटॉलाइड्स। मेटल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स, मेटल्स कसे असतात बघा। आता मेटल्सची पहिल्यांदा तुम्हाला नावं दिलेली आहेत, गोल्ड, सिल्वर, आयर्न, कॉपर, अल्युमिनियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, सोडियम, प्लॅटिनम आर अ फ्यू मेटल्स। बघा आपल्याकडे जवळजवळ म्हणजे 108 108 इलेमेंट्स आहेत, त्यातले जवळजवळ 56 तुमच्याकडे मेटल्स असणार आहेत, बाकीचे सगळे नॉन मेटल्स आणि जेमतेम 1-6 ते 7 तुमच्याकडे मेटॉलाइड्स असणार आहेत। हा त्यामुळे आता हे तुम्हाला दिलेले आहेत एक फॉर एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला 4-5 मेटल्सची नावं दिलेली आहेत, पण याच्यापेक्षा व्यतिरिक्त ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला बरेच मेटल्स अजून अभ्यासाला आहेत। मेटल्स हॅव लस्टर, बघा एक एक त्याची प्रॉपर्टी दिलेली आहे आणि त्या प्रॉपर्टीचं संपूर्ण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे
फक्त आता सुरुवात बघा काय आहे. मेटल्स हॅव लस्टर, द मेटल्स आर हार्ड, वायर ऑर शीट कॅन बी फॉर्म फ्रॉम देम देम मेड मेड मेटल. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स लूज देअर वॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स दॅट इज कॅटायन्स. बघा म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं की मेटल्स कशाला म्हणायचं हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. मेटल्स म्हणजे काय, थोडक्यात द एलिमेंट विच इज इन सॉलिड स्टेट. समजतंय, जे सगळे सॉलिड स्टेट मध्ये आहेत ते सगळे तुमचे काय असणार आहेत, मेटल्स आहेत. पण प्रत्येकाला थोडस काहीतरी एक्सेप्शन असतं, म्हणून थोडस तुम्हाला आता मी शिकवता शिकवता सांगणार आहे की एक दोन मेटल्स आहेत ते लिक्विड फॉर्म मध्ये आहेत. समजतंय. मग आता त्यांच्यामध्ये तुम्हाला फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल म्हणजे काय, तर त्यांना बघताना समोरून एखादी वस्तू दिसली तर ओव्हरऑल तिचं स्ट्रक्चर कसं आहे, तिचा लुक कसा आहे, तिचं ओरिएंटेशन कसं आहे, त्याच्यावरून त्याची ती प्रॉपर्टी आपण ठरवतो, त्याला म्हणायचं फिजिकल प्रॉपर्टी. समजते. मग आता बघा फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहे, तर पहिलं आहे जे की मी तुम्हाला वाचून दाखवलं की नाही आता, तेच सगळं आपण डीप मध्ये आता स्टडी करणार आहोत की लस्टर काय असतं, वायर शीट काय असते, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी कसे त्यांना म्हटलं जातं. बघा पहिलं आहे फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट म्हणजे पहिलं आता तुम्हाला स्टेट्स माहिती आहेत सगळ्यांना, कोणते आहेत, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. समजते. मग आता फिजिकल स्टेट काय आहे बघा, अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल्स स्टे इन सॉलिड स्टेट. म्हणजेच ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट, बट सम आर द एक्सेप्शन मेटल्स विच आर फाइंड इन लिक्विड स्टेट. समजलं. आता ते बघा पुढचं. हवेवर मेटल्स लाईक मर्क्युरी अँड गॅलियम आर एक्सेप्शन विच आर इन लिक्विड स्टेट इवन ऍट रूम टेम्परेचर. म्हणजेच तुम्ही लक्षात ठेवताना कायम लक्षात ठेवायचे की ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट इन रूम टेम्परेचर. आणि मग तुम्हाला एक्सेप्शन, आता एवढं सगळं लक्षात ठेवताना तुम्हाला जे दोन एक्सेप्शन म्हणून आहेत की नाही मेटल्स, ते तुम्हाला कायम लक्षात ठेवायचे आहेत. कारण फिल इन द ब्लँक्स किंवा तुम्हाला ट्रू ऑर फॉल्स साठी असा क्वेश्चन विचारला जातो. तर लिक्विड फॉर्म मध्ये सापडणारे जे दोन मेटल आहेत ते आहेत मर्क्युरी आणि गॅलियम. तुमच्या बुक मध्ये थोडस मार्किंग करून ठेवा, समोर बुक असणार आहे ना सगळ्यांच्या. आधी माझा आवाज क्लिअर आहे का बघूया एकदा. माय व्हॉइस इज क्लिअर. कॅन यू हिअर मी स्टुडंट्स? येस. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. आता पुढचं बघा, कॅन यू रिकॉल. आता ह्या कॅन यू रिकॉल मध्ये तुम्हाला जरी त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला याच्यावर काही क्वेश्चन येणार नाहीत, पण मेटल म्हटल्यानंतर त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत, आणि शिवाय तुम्हाला मेटल्स आणि नॉन मेटल्स यांच्यामध्ये डिस्टिंग्विश करण्यासाठी 3 मार्काचा मिनिमम 3 मार्क्स साठी तुम्हाला क्वेश्चन येत असतो. समजते. त्यासाठी तुम्हाला ह्या प्रॉपर्टीज लर्न करणं खूप महत्वाचं आहे. ओके. हा, यू माइट हॅव सीन डॉक्टर्स प्रेशर गॉज टू मेजर ब्लड प्रेशर. सगळ्यांनी केलं असणार, कारण डॉक्टरांकडे गेल्या गेल्या पहिलं काम काय करत असतात, ते आपल्या हाताला बेल्ट लावायचा आणि तो एक त्यांच्याकडे बलून असतो बघा, त्याच्याने ते काय करत असतात, प्रेशर काउंट करत असतात. मग आता जो ब्लड प्रेशर आपला काउंट केला जातो त्याच्यासाठी त्यांच्याकडे काहीतरी एक युनिट असतं, आणि त्या युनिटमध्ये तुम्हाला एक सिल्वर कलरचा लिक्विड दिसत असतं. समजलं. आता ह्याच्यापेक्षा अजून बेस्ट आहे की तुम्ही प्रॅक्टिकली हँडल केलेलं असणार आहे तुमच्या प्रयोगशाळेमधलं, म्हणजे तुमच्या प्रॅक्टिकल लॅबमध्ये जर तुम्ही गेला असाल तर टेम्परेचर मेजर करायला तुम्हाला असतंच. आता प्रॅक्टिकलमध्ये तुम्हाला हात लावायला दिला असेल तर तुम्हाला कळलं असेल ते की तिथे एक काय असतं, सिल्वर कलरचं लिक्विड असतं. समजतंय. ड्युरिंग युअर विजिट टू अ डिस्पेन्सरी accompanying your relative in that you might have seen a grey color liquid in glass tube. What is that metal? काय मेटल आहे कोणाला माहिती आहे? बरं, नंतर तुम्ही आन्सर लिहून ठेवा, मी नंतर चेक करते. हा, कुठलं लिक्विड असतं
काय असतं आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये तुमचं आन्सर लिहून ठेवायचं आहे प्रत्येकाने. म्हणजे कोणी कोणी मला करेक्ट आन्सर दिलं हे मी नंतर चेक करते. समजलं? तर दॅट लिक्विड इज नोन ऍज मर्क्युरी विच इज सी ग्रे इन कलर अँड इट इज नोन ऍज सॉलि हे इट इज नोन ऍज मेटल बट इट इज इन लिक्विड फॉर्म. देन सेकंड प्रॉपर्टी काय आहे? लस्टर. बघा, टेक अ कॉपर वेसल ऍट युअर होम, स्क्रब देम विथ लेमन अँड रिन्स विथ वॉटर, ऑब्झर्व द लस्टर बिफोर अँड आफ्टर क्लिनिंग. लाईट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लीन ऑर फ्रेशी कट सरफेस फ्रॉम ऑफ मेटल अँड मेटल लुक्स लस्टर. समजलं सगळ्यांना लस्टर म्हणजे काय? ते शाईन करायला लागतं. आता नवीन आपण जेव्हा सगळे मेटल्स म्हणजे वस्तू घेत असतो तेव्हा त्या सगळ्याच्या सगळ्या शाईन करतात, पण कुठेतरी थोडे दिवस आपण त्यांना बाजूला ठेवलं की काय होत असतं? मेटल्स ऑलवेज रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन इज प्रेझेंट इन द एअर. दॅट्स वाय ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस अँड द मेटल कलर इज चेंज इन टू ब्लॅकिश ऑर ग्रीनिश ऑर एनी कलर. दॅट मीन्स द लस्टर प्रॉपर्टी इज प्रेझेंट इन द मेटल्स. ओके, सेकंड थर्ड वन इज हार्डनेस. तर हार्डनेस म्हणजे काय असणार आहे? कठीणपणा. आता कठीणपणा कसा? बघा, जनरली मेटल्स आर हार्ड नॉट सॉफ्ट. एक्सेप्शन सोडियम अँड पोटॅशियम आर सॉफ्ट अँड कॅन बी इझिली कट बाय नाईफ. आता तुम्हाला अजून तुम्ही 8th स्टँडर्डला आहात त्यामुळे तुम्हाला अजून मला असं वाटतं प्रयोगच्या म्हणजे जेव्हा लॅबोरेटरीमध्ये आपण जातो की नाही तेव्हा तुम्हाला प्रत्यक्ष वस्तू कदाचित दाखवत नसतील, पण सोडियम ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन बिकॉज इट इज हायली रिॲक्टिव्ह इलेमेंट. आणि जर त्याला प्रयोगशाळेत म्हणजे तुमचे टीचर्स वगैरे हँडल करत असेल तर ते बॉटलमधनं त्याला काढतात बाहेर आणि काय करत असतात, एक थोडासा एखादा पीस तुम्हाला असं कट करून दाखवण्याचा प्रयत्न करतात, पण ते हायली रिॲक्टिव्ह आहे त्यामुळे सहजासहजी तुम्हाला ते दाखवलेलं पण नसेल कदाचित. आणि त्याचप्रमाणे पोटॅशियम पण आहे की जे तुम्हाला एखाद्या साबणाच्या वडीसारखे दिसतात, सॉफ्ट असतात आणि त्याला आपण नाईफनी कट करू शकतो. समजतंय? म्हणजेच हे सगळे मेटल्स आहेत, पण मेटल्सची प्रॉपर्टी काय आहे? मेटल्स आर हार्ड बट एक्सेप्शन कोण आहे त्याला? सोडियम आणि पोटॅशियम, दे आर सॉफ्ट. देन फोर्थ प्रॉपर्टी डक्टायलिटी. व्हॉट इज डक्टायलिटी? यू हॅव सी एव्हर गोन टू अ गोल्ड स्मिथ शॉप? हॅव यू सीन द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ वायर ऑफ गोल्ड ऑर सिल्वर? वेन अ मेटल इज पुल्ड थ्रू अ होल इट्स वायर इट फॉर्म दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज डक्टायलिटी. काय सांगितलं? आता तुम्हाला ते गोल्ड स्मिथ कडे प्रॅक्टिकली कोणी बघायला दिलं नसणार आहे, पण जर तुमची क्युरियासिटी असेल तर तुम्ही मार्केटमध्ये जे असतात लोक पॉलिश वगैरे करणारे त्यांच्याकडे बघितलं तर तुम्हाला थोडस जाणवेल, समजेल. आणि अगदीच घरामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या ऑर्नामेंट्स तर असतातच आणि त्या वायरनीच बनवलेल्या असतात. आणि तुम्हाला पहिलंच मेटल मधलं एक्झाम्पल दिलेलं आहे गोल्ड विच इज व्हेरी कॉस्टली. तर त्या गोल्डच्या वायरनीच तुमच्या ऑर्नामेंट सगळे तयार झालेले आहेत. मग ते फॉर्म होताना काय वायरमध्ये फॉर्म होतं का? नाही होत आहे, त्याची वायर किंवा त्याची तार बनवली जात असते. मग आता फक्त गोल्ड आणि सिल्वरच्याच बनवतात का? तर नाही, सगळ्या मेटल्सच्या बनवल्या जातात. इव्हन तुमचं जे इलेक्ट्रिक सप्लाय आपण बघतो त्याच्यामध्ये कॉपर वायर यूज केली जाते, काही ठिकाणी अल्युमिनियम वायर यूज केली जाते, काही ठिकाणी तुमचं जे ग्रिल्स वगैरे बनवले जातात त्याचे आयर्न रॉड तयार केले जातात. दॅट मीन्स ईच अँड एव्हरी मेटल हॅज द प्रॉपर्टी डक्टायलिटी. अंडरस्टूड? देन फिफ्थ वन, मेलॅबिलिटी. What is malleability? Take an iron nail, place it on the platform and keep the hammering it. After some time, you will see a thin sheet forming. This property is called as malleability. आता लक्षात ठेवायचं आहे याच्यामध्ये तुमचं कन्फ्युजन असतं. डक्टायलिटी म्हणजे मेटल पासून वायर तयार करणे आणि मेलॅबिलिटी म्हणजे काय? तर मेटल पासून एक पातळ अशी शीट तयार करणं किंवा पत्रा तयार करणं असं. मग तो प्रत्येक मेटलचा होतो, जसं वायर प्रत्येक मेटलची आपण तयार करतो की नाही तसा पत्रा पण आपला प्रत्येक मेटलचा तयार करता येतो. समजलं?
त्याच्यानंतर आहे सिक्स प्रॉपर्टी कंडक्शन ऑफ हीट. आता बघा, सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी सांगितलं ना तुम्हाला. टेक अ कॉपर प्लेट, फिक्स सम वॅक्स ऍट ऑन इट्स वन एंड, हीट द अदर एंड अँड ऑब्झर्व दॅट वॉट हॅपन. बघा, अगदी खूप छान असा एक्सपेरिमेंट दिलाय मी तुम्हाला, सांगते तुम्हाला अगदी सहज करता येण्यासारखं आहे. की एक लोखंडाचा रॉड आपल्या घरामध्ये पडलेला असतो किंवा एखादा खिळा घ्यायचा आणि त्याला एका वॅक्स म्हणजे वॅक्स लावायचा आणि अशा पिना जोडायच्या, म्हणजे पिना म्हणजे टाचण्या, कारण लोखंडाच्या खिळ्याला तुम्ही टाचण्या जॉईन करू शकता विथ द हेल्प ऑफ वॅक्स. आणि हातात धरून जस्ट त्या खिळ्याला काय करायचं आहे, तुम्ही मेणबत्तीवर पकडायचं आहे. म्हणजे एक पॉइंट तुमच्या हातात असेल, दुसरा पॉइंट तुमचा त्या फ्लेमेबल जी तुमची कॅन्डल असणार आहे त्याच्यावर असणार आहे. जसा जसा एक पॉइंट जो हीट होतोय तो काय करतोय, हीट ट्रान्सफर करतोय. आणि हीट ट्रान्सफर करतोय ह्याचं एक म्हणजे ऍक्टिव्हिटी कशी तुम्हाला समजणार, तुमची एक एक जी चिकटवलेली मेणबत्ती असते ती खाली पडायला लागते. का? तर हीट मिळाल्यामुळे तुमचा जो वॅक्स असतो तो काय होतो, मेल्ट होतो. आणि ऑफकोर्स मेल्ट झाल्यामुळे काय होते, ती एक एक तुमची पिन काय होणार आहे त्या रॉड पासून बाजूला निघणार आहे. समजलं ऍक्टिव्हिटी काय आहे? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सिल्वर कॉपर अँड अल्युमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. आता त्याच्यातनं जे हायली रिएक्टिव्ह असतात की नाही, ते सगळे असे इकडे तुम्हाला मोस्ट ऑफ द यूज केला जातो त्यांचा. आता बघा, गुड कंडक्टर असल्यामुळे कॉपर मोस्ट ऑफ द टाइम तुमचा वापरला जातो बऱ्याच वेळेला, म्हणजे असा युजफुल गोष्टींमध्ये अल्युमिनियम वापरलं जातं. आणि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. देन सेवन प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. विच मेटल आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स? राईट डाऊन द आन्सर इन युअर चार्ट बॉक्स. विच कंडक्ट विच मेटल्स मोस्ट ऑफ द फाउंड? कॉपर. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आणि कॉपर का वापरला जातो, तर तो खूप असं मोठ्या प्रमाणामध्ये म्हणजे हायली रिएक्टिव्ह आहे आणि खूप असं मोठ्या प्रमाणात तो काय करतो, इलेक्ट्रिसिटी पास करतो. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेड इज अन एक्सेप्शन. बघा, इलेक्ट्रिसिटी पास करतोय म्हणते, पुन्हा तुम्हाला एक्सेप्शन आलंय की लेड असा आहे की तो इलेक्ट्रिसिटी पास करत नाही. विच इज नायदर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजेच पुन्हा लक्षात ठेवायचं आहे की लेड, ज्याला शिस आपण म्हणतो, ज्याचा सिम्बॉल आहे पीबी, ते काय करतंय, इलेक्ट्रिसिटी आणि हीट तुमचं कुठल्याही प्रकारे ट्रान्सफर करत नाही. म्हणजेच हा झाला तुमचा एक एक्सेप्शनल मेटल विच इज नॉट कंडक्टेड द हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. देन एट वन इज डेन्सिटी. मेटल्स हॅव हाय डेन्सिटी. सोडियम, पोटॅशियम अँड लिथियम आर एक्सेप्शन. बघा, सगळ्या मेटलला खूप अशी म्हणजे हाय डेन्सिटी असते, पण त्याला एक्सेप्शन का आहेत की जे आपल्या रेग्युलर प्रॅक्टिकल लॅबमध्ये यूज करणारे जे आपण आहोत ना, सोडियम, पोटॅशियम, लिथियम, हे मात्र का आहेत ज्यांची डेन्सिटी व्हेरी लो आहे, हॅव्हिंग लोअर डेन्सिटी दॅन वॉटर. द डेन्सिटी ऑफ लिथियम इज ओनली 0.53 ग्रॅम पर सीसी. समजला? त्याच्यानंतरच आहे मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट. ऑफकोर्स जनरली मेटल्स हॅव हाय मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट, नाहीतर मग ते लगेच मेल्ट झाले असते ना. समजतंय? म्हणजे लिक्विड सॉलिड फॉर्म मधनं त्यांना लिक्विड फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी तुम्हाला अशी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हीट द्यावी लागते, तेव्हा ते कुठेतरी तुमचे सॉलिड कन्वर्ट इन टू लिक्विड फॉर्म. म्हणजेच त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट काय असतो, हाय असतो. एक्सेप्शन पुन्हा दिलेला आहे एचजी, म्हणजेच तुमचा हा पारा, त्यानंतर गॅलियम, सोडियम आणि पोटॅशियम जे सिम्बॉल आहेत हे पण तुम्ही वन बाय वन लर्न करायचे आहेत. कळलं? अँड लास्ट वन इज सोनारिटी. व्हॉट इज मीन बाय सोनारिटी? हॅव यू हर्ड अबाउट सोनारिटी? हा, व्हॉट इज द मेटल दॅट युअर स्कूल बेल इज मेड अप ऑफ? कधी नाही, प्रत्येकाच्या स्कूलमध्ये मेटलची बेल असते. कधी त्याच्यावर विचार केला तुम्ही की ही मेटलचीच का आहे? बिकॉज मेटल हॅव द प्रॉपर्टी सोनॅरिटी. इट मेक्स अ बिग साऊंड अँड अ लाऊड साऊंड. हाऊ डज अ बेल इज फंक्शन? मेटल्स आर सोनॅरस.
दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्रायकिंग, म्हणजेच जस्ट तुम्ही नुसतं त्याच्यावर हॅमरिंग केलं की लगेच काय करतो, त्याचा खूप असा आवाज येतो आणि तो तुमच्या अख्ख्या सगळ्या वर्गांपर्यंत पोहोचतो. याचा अर्थ मेटल्स का आहेत आवाज करतायत, म्हणजे त्याला कोणी तुम्ही स्ट्राईक केलं की लगेच ते काय करतात, आवाज करतात. लाकडाला मारून बघा करतात का आवाज. हा काय डाऊट आहे कोणाला, एनी डाऊट? सगळ्यांनी आन्सर दिलेत. ओके 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 माय वॉइस इज क्लियर? येस येस ओके. कॅन यू हिअर मी स्टुडंट्स? ओके 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 हाँ. अभी हम देखेंगे नॉन मेटल्स. अभी जिनको हिंदी में चाहिए ना उनके लिए थोड़ा मैं अभी अभी एक्सप्लेन करूंगी ना, वो कंप्लीट अपोजिट है मेटल्स के. हाँ तो फिर इसके साथ ही मैं अभी मेटल भी एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में. ओके हाँ देखो, नॉन मेटल्स कार्बन सल्फर फास्फोरस आर फ्यू नॉन मेटल्स. जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड नॉन लस्टर. देखो अभी मैंने बताया कि मेटल्स इज हार्ड लस्टर, देन दे आर शाइन, दे हैव प्रॉपर्टी मेटलॉइड. नाउ कंप्लीट अपोजिट प्रॉपर्टीज शोविंग द नॉन मेटल्स एलिमेंट्स. ओके देन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फर्स्ट वन इज फिजिकल. एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल्स ऑकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. देखो ये जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो तीन ही तीन फेज में मिलते हैं हमें. मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो गैसेस फॉर्म में रहते हैं, लेकिन सबके लिए थोड़ा सा एक्सक्लूजन कुछ तो रहता है. इसलिए सम मेटल नॉन मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट, सम नॉन मेटल्स आर लिक्विड इन स्टेट, एंड लॉट्स ऑफ नॉन मेटल्स आर फाउंड गैसेस इन स्टेट. दैट फॉर एग्जाम्पल दिया है. देखो सॉलिड स्टेट में कौन कौन है. सी स्टैंड फॉर कार्बन, एस स्टैंड फॉर सल्फर एंड पी स्टैंड फॉर फॉस्फरस. गॉट इट? देन लिक्विड फॉर्म में कौन मिल रहा है. वी आर टू दैट मीन्स ब्रोमीन. एंड ऑल द गैसेस विच आर एच टू, दैट मीन्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल दीज आर इन गैसेस फॉर्म्स एंड ऑल दीज आर नॉन मेटल्स. ओके देन सेकेंड प्रॉपर्टी लस्टर. मेटल्स क्या है, कैरिंग शोविंग लस्टर प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर प्रॉपर्टी. जैसे जैसे हम मैं बताती जाती हूँ ना, तब आप कंपेरिजन कर लो तो आपको बहुत अच्छी तरह से वो डिस्टिंग्विश करने के लिए बेनिफिट मिलेगा. फिर ये जो मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, खाली एक्सेप्शन रहता है टू का, जो मर्क्यूरी का और गैलिनियम का. और इन अभी इधर नॉन मेटल में मैं बता रही हूँ कि दीज आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स. नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी लस्टर. मेटल्स हैव द लस्टर प्रॉपर्टी बट नॉन मेटल्स हैव डू नॉट लस्टर एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन. देखो अभी सबके लिए एक्सेप्शन जैसा मेटल्स में था वैसा ही बिल्कुल नॉन मेटल में है. तो नॉन मेटल में जो डायमंड हम बहुत ही कॉस्टली जो ऑर्नामेंट हम पहनते हैं ना डायमंड का, तो वो डायमंड है वो नॉन मेटल है. इट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यू नो. हाँ बट इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी शाइन. एंड देन आयोडीन क्रिस्टल जो रहते हैं वो भी ऐसा ब्लूइश कलर के रहते हैं, वो भी शाइन करते हैं. तो ये दो है वो एक्सेप्शनल है. समझ में आया सबको? सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस व्हाइल अदर्स हैव डिफरेंट कलर्स. देखो
Some non-metals are colorless. That means all these are found in gaseous form, gaseous state. All these are in colorless. But while other have different colors, जो जो कुछ अलग, that means ये जो आयोडीन मैं बोल रही है ना, वो ब्लूश कलर कर रहे थे क्रिस्टल्स, दैट इज शोविंग द कलर. विच इज द कलर ऑफ द कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल. हाँ, ये कार्बन तो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, ऑलवेज उसको ध्यान में रखो. ये कार्बन है, ये नॉन मेटल में इंक्लूड किया जाता है. ओके, हाँ, तो नॉन मेटल में ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, समझ में आया. और ये कार्बन का ही अलोट्रॉप है जो बहुत हार्ड रहता है, उसको बोलते हैं डायमंड. सल्फर इज येलो एंड ब्रोमीन इज ब्राउन. समझ में आया सबको, कलर कौन सा है और कौन से जो नॉन मेटल्स है वो कैसे कौन से फॉर्म में मिलते हैं. ओके, हाँ, जो सल्फर है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, येलो कलर का रहता है. और जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वो ब्राउन कलर का रहता है. आगे आगे जैसे स्टैंडर्ड वाइज तुम लोग बढ़ते जाएंगे ना, तो प्रैक्टिकली तुम्हें सब ऐसा केमिकल लैब में आपको ये बोतल में देखने को मिलेगा. नाउ ब्रिटलनेस, थर्ड प्रॉपर्टी इज ब्रिटलनेस. टेक अ कोल एंड हैमर इट, सी व्हाट हैपेंस. इट विल सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट द डायमंड इज एन एक्सेप्शन व्हिच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. देखो, पहला मेटल्स जो है वो हार्ड है, तो उसका कंप्लीट अपोजिट क्या है, जो नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट रहते हैं. समझ में आया. लेकिन उसको एक एक्सेप्शन है कि जो डायमंड में बोलते आ रही हूँ, वो जो कार्बन का अलोट्रॉप है वो हार्ड है, वेरी हार्ड है. समझ में आया. देन डक्टाइलिटी एंड मेलेबिलिटी. जो मेटल्स हैव द शो मोट मेटल्स आर शोविंग बोथ द प्रॉपर्टीज, बट नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलेबल. समझ में आया. तो कंप्लीट अपोजिट प्रॉपर्टी. तो वन बाय वन फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम 6-7 लर्न कर रहे हैं, वही आपका डिस्टिंग्विश के लिए काम में आने वाले हैं. ओके, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लीट अपोजिट ऑफ द मेटल्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एट दैट टाइम द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट एक्सेप्शन क्या दिया है, ग्रेफाइट दिया है. ग्रेफाइट एंड अलोट्रॉप ऑफ कार्बन. आता पुढे जाऊन नेक्स्ट, मला असं वाटतं 9th स्टँडर्ड मध्ये तुम्हाला हे सगळे अलोट्रॉप्स आहेत शिकायला. तो उसमें क्या बताते हैं, जो कार्बन है उसके दो अलोट्रॉप है, दो नहीं 3 अलोट्रॉप है. एक अमॉर्फस करके थर्ड वन है, तो उसका फर्स्ट वाला जो डायमंड है वो हार्ड है. ओके, और सेकेंड वाला जो ग्राफाइट बोलते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है. और वो जो है ग्राफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों भी ट्रांसफर नहीं करता है. समझ में आया. इट इज वेरी ट्रांसफर करता है, इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कहाँ कर सकता है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट रहता है ना, उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस रहते हैं ना पासिंग करने के लिए, वही काम में आता है. इसलिए तो सेल में कार्बन रॉड रहता है. ड्राई सेल आपने सीखा होगा, तो आपको ड्राई सेल के अंदर जो कार्बन का रॉड मिलता है ना, उसको ग्राफाइट बोलते हैं. समझ में आया. हाँ, तो ये ग्राफाइट मीन्स द अलोट्रॉप ऑफ द कार्बन विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आया सबको, कहाँ यूज किया जाता है. तो कभी किसी के हाथ में सेल मिल गया तो उसको ओपन करके देखो, आपको वो मिल जाएगा. देन डेंसिटी, मेटल्स हैव लो डेंसिटी और नॉन मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑफकोर्स नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट. एक्सेप्शन क्या दिया है, द सॉलिड नॉन मेटल कार्बन एंड बोरॉन मेटल एट हाई टेम्परेचर. जो सॉलिड फॉर्म में है उनको हाई टेम्परेचर लगता है, क्योंकि वो सॉलिड से पहला लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उनको बहुत ही हीट देनी पड़ती है. समझ में आया.
हाँ अभी ऑलवेज रिमेम्बर में ये ध्यान में थोड़ा सा रख दो, काम में आएगा। देन थर्ड टाइप इज मेटालॉइड। सम एलिमेंट्स सच एज अर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी हैव प्रॉपर्टीज विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। सिंपली आपको क्या ध्यान में रखना है, द एलिमेंट्स विच आर शोविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटालॉइड्स। समझ में आया? ये बुक में जो लैंग्वेज दी है ना, वो आपको थोड़ी समझ में नहीं आने वाली, लेकिन ये ध्यान में रखो कि जो मेटल्स के और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, वो जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको नॉन मेटालॉइड बोलते हैं। समझ में आया? और उनको नाम दिए हैं, आपको ध्यान में रखना है। अर्सेनिक दैट मीन्स AS, सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE, एंटीमनी SB। समझ में आया? ये आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मेटालाइट, व्हाट आर मेटालाइट्स एंड गिव द एग्जांपल्स, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ओवर। समझ में आया कितना है फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो अभी हम 3 मार्क के लिए रेडी हो गए। समझ में आया? हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी आपको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छा सबको आता होगा, सब लोग प्रैक्टिस करते होंगे। तो यहाँ तो नीचे बॉक्स में आपको 3 मेटल दिए हैं। पहला वाला मेटल है सोडियम, दूसरा वाला मेटल है मैग्नीशियम, एंड थर्ड वन इज एल्यूमिनियम। तो उनके लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में जो नंबर दिए हैं, वो नंबर क्या शो करते हैं मालूम है सबको? यस, एटॉमिक नंबर, विच इज इन सेकेंड कॉलम, 11, 12 एंड 13। हाँ, नाउ थर्ड कॉलम इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला के शेल, दूसरा एम एन, ये शेल में क्या क्या कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मालूम है सबको? हाँ, पहला शेल मिनिमम और मैक्सिमम कितने रहेंगे? 2। सेकेंड ऑर्बिट में 8, और थर्ड में सब बचे कुचे हैं वो डालना है। समझ में आया? तो 11 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम? 2, 8 एंड 1। अपकोर्स 12 का कैसे होगा? 2, 8 एंड 2। एंड थर्ड वाला अल्यूमिनियम का 13, 2, 8 एंड 3। समझ में आया सबको? हाँ, नाउ आयन कैसे फॉर्म होता है, ये तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेसन में आपको सबको अच्छी तरह से आता था। अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके ऊपर हमारा आयन फॉर्मेशन डिपेंड रहता है। तो आयन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये जो टेबल है उसको अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व करो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सोडियम के लिए 3 ऑर्बिट दिए हैं, मैग्नीशियम के लिए 3 ऑर्बिट दिए हैं, एल्यूमिनियम के लिए 3 ऑर्बिट दिए हैं। समझ में आया? हाँ, तो अभी 3 ऑर्बिट के जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 1, 2 एंड 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या है, पहले वाले को 7 चाहिए, दूसरे वाले को 6 चाहिए, और तीसरे वाले को 5 चाहिए। हाँ, समझ में आया? तो वो पहले दो जो है वो क्या करेंगे, अपना वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट वाले ऑर्बिट में वो छोड़ देंगे। समझ में आया? हाँ, तो अभी क्या करना है देख लो, अभी तीनों के तीनों छोड़ने वाले हैं। तो छोड़ते समय उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेफ्ट करते हैं, वो जो पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट करते हैं मतलब वो डोनेट करते हैं। समझ में आया? तो डोनेट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ये देते हैं उतना चार्ज उनके ऊपर आता है। और वो चार्ज कैसे लिखते हैं देखो, फॉर्मेशन ऑफ आयन्स दैट मीन्स कैटायन एंड एनायन, ये भी लास्ट लेक्चर में आपको मालूम हुआ था। तो मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज, और यहाँ एक वर्ड आपको मैंने सिखाया था डोनेट। समझ में आया? लूज मीन दे लेफ्ट करते हैं, छोड़ते हैं, और डोनेट करते हैं देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन्स व्हिच इज नोन एज कैटायन्स।
जिसके जिसके ऊपर प्लस साइन रहेगा वो सब क्या क्या बोलेंगे उनको हम कैटायंस बोलेंगे, और उस जिसके जिसके ऊपर प्लस साइन दिखेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, और जितने प्लस साइन उसके ऊपर रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट किए होंगे। समझ में आया मैं क्या बोलती हूँ? अभी देखो सोडियम थर्ड ऑर्बिट में क्या था, वन इलेक्ट्रॉन, वो वन इलेक्ट्रॉन उसने लेफ्ट कर दिया तो उसका सोडियम आयन बन गया। फर्स्ट वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको सोडियम एटम बोलते हैं। समझ में आया? एटम और एना आयन डिफरेंस है। तो एटम जब रहता है सोडियम तो 2, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका रहता है। जब वो थर्ड वाला जो थर्ड ऑर्बिट में जो वन इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ देता है तब वो बिकम में इट विल बी बिकम सोडियम आयन एंड +1 दिया है। देखो तो क्या किया है उसने, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है इसलिए उसके ऊपर 2 ये सोडियम के ऊपर प्लस साइन आया है और उसके नीचे ब्रैकेट में 2 और 8 आया है। समझ में आया? और वो जो 1 गया है वो कहाँ गया, तो वो +1 के रूप में दिया है उधर। समझ में आया सबको? एक बार मैं देखती हूँ समझ में कितना आता है आपको। सबको समझ में आया आयन फॉर्मेशन क्या है? डाउट है किसी को आयन फॉर्मेशन में? कैन यू हियर मी स्टूडेंट? यस, किसी को डाउट है आयन फॉर्मेशन में? नो डाउट? ओके ओके, तो सेकेंड वाला देख लो। अभी मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का अपना एटॉमिक नंबर है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 एंड 2। अभी क्या करेगा, वो 2 डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के बाद ये मैग्नीशियम के ऊपर एरो के राइट साइड में +2 साइन दिया है देखो, और नीचे ब्रैकेट में 2 और 8 दिया है। मतलब जो थर्ड वाला हमारा जो ऑर्बिट था उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या किए उसने, डोनेट कर दिए, इसलिए +2 दिया है। समझ में आया? तो सेम एल्यूमिनियम भी वैसा ही करता है। क्या है, 2, 8 एंड 3 इट विल डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन दैट विल फॉर्म द 3+ साइन ऑन द टॉप ऑफ द एटम। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हाँ बच्चों, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आयन फॉर्मेशन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, और आपको क्वेश्चन आया तो ऐसा ही लिखना है, मैं एटम एरो आयन एंड जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको लिखना है। अभी देखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। ये तो सिंपल रूल हो गया कि जब जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में कंबाइनिंग केमिकली रिएक्ट होते हैं तो उस जो मेटल रिएक्ट होता है उसका ऑक्साइड फॉर्म होता है। समझ में आया? तो जैसा कि आपको जनरल फॉर्मूला दिया जाता है ना मैथ्स में, बिल्कुल वैसा ही आपको ये जनरल फॉर्मूला दिया है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। सपोज मेटल के जगह पे मैंने क्या किया, कॉपर लिया, और कॉपर प्लस ऑक्सीजन किया तो मिलेगा कौन सा ऑक्सीजन, ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। समझ में आया? अगर मैंने वहां मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, मैंगनीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैंने वहां सोडियम लिया तो क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड। समझ में आता है? तो जो मेटल हम लेते हैं उसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो उसी मेटल का ऑक्साइड हमें मिलता है। समझ में आया सबको? हाँ, द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक एंड बेसिक आपको मालूम है। हाँ, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ? देखो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर,
मतलब दे आर शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक, देन ऑल द मेटल ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट मीन्स एसिड, ये बेसिक प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है, जो सब मेटल्स के ऑक्साइड रहते हैं वो बेस रहते हैं, तो वहां हम बेस लिखेंगे, और एसिड के साथ मतलब HCl H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होगी तब जो सॉल्ट फॉर्म होंगे तो मेटल के होंगे, दैट मीन्स ये जो सोडियम ऑक्साइड है ना, वहां समझो मैंने, अगर समझ लो मैंने NaOH लिखा है, और एसिड के जगह पे अगर मैंने HCl लिखा है तो क्या होगा, NaOH प्लस HCl उनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और NaCl फॉर्म होगा विच इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। समझ में आया, तो सोडियम क्लोराइड इज द सॉल्ट एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, वाटर। समझ में आया, हाँ। देन रिएक्शन विथ एसिड, अभी एसिड के साथ रिएक्शन हो गई, देखो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देन एसिड के साथ रिएक्शन, तो एसिड के साथ रिएक्शन होती है तब क्या होता है, देख लो, टेक अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब देन एड जिंक डस्ट, दैट मीन्स जिंक, टेक अ ग्लोइंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द यू ट्यूब, ऑब्जर्व ऑफ ग्लोइंग स्प्लिंटर यू विल बी नोटिस सम साउंड कमिंग आउट ऑफ इट। अभी ये ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर मेटल में जब ये मेटल पार्टिकल्स है जब एसिड में डालते हैं तो उनमें सिंपल एक ऐसा स्लो रिएक्शन होता है, तो स्लो रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होने के बाद जो गैस फॉर्म होता है वो गैस जो है वो थोड़ा सा साउंड करता है, तो वो साउंड करने वाला गैस कौन सा है, ये पहचानने के लिए ये टेस्ट है। तो अगर ये टेस्ट ट्यूब में अगर मेटल लिया और उसमें एसिड डाल दिया, तो उसके माउथ के ऊपर जब हमने कैंडल पकड़ी, फ्लेमेबल कैंडल, हाँ, तो उसका फट कैसा आवाज आता है, तो दैट मीन्स फट क्या करता है, जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है ना वो खुद बर्न होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना, हाँ। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मिलता है हमें कि जब सब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो उनका खुद का सॉल्ट मिलता है, और जो गैस बाहर निकलता है वो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही होता है। समझ में आया, तो ये भी जैसा जनरल फॉर्मूला है वैसा ही ध्यान में रखना है, मेटल प्लस एसिड तो वी कैन गेट द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इसका भी रिएक्शन आपको लिखना पड़ता है, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या मिलता है देख लो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट शो एनी ऑब्जर्वेबल एंड फास्ट रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। मेटल कौन सा भी मेटल ले लो आप, कितना भी घंटा पानी में डाल दो उसके ऊपर आपको कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं मिलता है। समझ में आया, तो कोल्ड वाटर में उनके जो रिएक्शन है वो होता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है देख लो, बट सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मैग्नेशियम मेटल रिक्वायर स्टीम टू गिव सिमिलर रिएक्शन। अभी जो एक्सेप्शन के लिए आपको सोडियम और पोटेशियम बताया ना मैंने, वो सोडियम और हाँ पोटेशियम वेरी हाईली रिएक्टिव है, तो वो अगर उनका एखादा पीस कट करके हमने जब पानी में डाल दिया तो इमिजिएट वो फ्लेम बनता है, मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और जो फ्लेम आपको दिखती है तो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, और वो इमिजिएट क्या करता है ऐसा फ्लेम पकड़ता है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अभी जो जो हमने पांच में केमिकल प्रॉपर्टीज ये मेटल्स के सीखे हैं वो सब आपको लिखना है। आज का होमवर्क क्या रहेगा आपको, एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड एक्सप्लेन बोला तो पूरा जो उनका उनके बारे में जो दिया है ना एक्सप्लेनेशन वो भी लिखना है, और जनरल फॉर्मूला दिया है वो भी लिखना है, दैट मीन्स ये अभी क्या फॉर्मेशन ऑफ आयन है उसके लिए जो तीन एग्जाम्पल दिए है वो भी आपको लिखने हैं,
नहीं तो मैं आपको होमवर्क देती हूँ बहुत सारा, और आप शॉर्टकट में भेज देते हैं मुझे। हाँ तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम मेटल्स के जैसे है, लेकिन अलग है। अभी देखो, मेटल्स ने जो फॉर्म किए थे उनको हम कैटायंस बोलते हैं, समझ में आया? अभी नॉन मेटल्स में क्या है, आपको एग्जाम्पल दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। उनका एटॉमिक नंबर है 7, 8 एंड 17। तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिला? 2 एंड 5। ऑक्सीजन का मिला 2 एंड 6 एंड क्लोरीन का मिला 2, 8 एंड 7। दैट मीन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए 2 ही ऑर्बिट है और क्लोरीन के लिए 3 ऑर्बिट है, लेकिन उनका लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें 4 के आगे है नंबर। समझ में आया सब आपको? जो अगर उनको ऑक्टेट फॉर्म करना है, अगर उनको नाइट्रोजन को सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट करना है, तो उसको रिक्वायरमेंट कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की है। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो क्या करते हैं देख लो पहला, अभी समझ में आएगा आपको। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अगर हमने जो नॉन मेटल का पहला वाला कार्बन लिया, तो आपको वहां भी पता चलेगा कि कार्बन के जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो 2 एंड 4 आएगा। समझ में आता है? हाँ, तो वो मोर देन 3, जिनके जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट नहीं करते। एक्सेप्ट करते हैं मतलब वो लेते हैं, तो लेते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेते हैं उतना उनके ऊपर माइनस साइन आपको देखने में मिलेगा। तो वो है अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ आयन। अभी देख लो एग्जांपल, यहाँ भी 3 एग्जांपल दिए हैं। क्लोरीन, अभी एक चेंज क्या है उसमें तो पहला देख लो। जब आयन फॉर्मेशन होते हैं तो कैटायन फॉर्म होते हैं, तो जो हमारा एटम रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है और आयन रहता है वो राइट साइड में रहता है। समझ में आया? फिर एक बार दिखाती हूँ, देख लो। ये सोडियम का एटम है और इसमें आयन मिला, तो सोडियम का आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा हमने लिखा। मैग्नीशियम का एटम, एरो के लेफ्ट राइट साइड में आपको क्या मिला? मैग्नीशियम का आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो यहाँ देख लो आप, जब नॉन मेटल में आयन फॉर्मेशन होता है तो क्लोरीन, और उसको रिक्वायर है, उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। तो उसने कितना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 1e किया है। देख लिया आपने? तो उसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया आपको 2, 8, 7, और उसमें प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, तो उसका जो नंबर एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो गया। तो चेंज होने के बाद कैसा लिखते हैं? 2, 8 एंड 8। समझ में आया? वो 7 की जगह पे 8 कैसे आया? हाँ, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसलिए उसके ऊपर माइनस साइन हो गया, और जो आयन फॉर्म हो गया उसके वो उसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। समझ में आया? तो नॉन मेटल्स जो रहते हैं उनके ऊपर क्या रहता है? माइनस साइंस, एंड दैट इज नोन एज एनायंस। समझ में आया? कैटायंस एंड एनायंस क्या है? जो पॉजिटिव साइन रहता है उसको कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव साइन दिखता है उसको एनायन बोलते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतने पॉजिटिव साइन एटम के आयन के ऊपर आते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उतने निगेटिव साइन आते हैं। समझ में आया? लेकिन लिखते समय ध्यान में रखना है, जब एनायन फॉर्म होता है तो जो एटम रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ते हैं। समझ में आया? तो लेफ्ट साइड में देखो, जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं उतने प्लस प्लस करके इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ आयन आपको दिया है। तो क्लोरीन का क्लोराइड आयन हो गया, तो इसका उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, देख लो 2, 8 एंड 8 हो गया। ऑक्सीजन का 2 एंड 8 हो गया एंड नाइट्रोजन का 2 एंड 8 हो गया। समझ में आया चेंज क्या है? एटम एंड आयन एंड कैटायन एंड एनायन। थर्ड वन इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इन मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स के सेम है, लेकिन दे आर शोइंग अपोजिट प्रॉपर्टीज।
समझ में आया? नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड मिल गया था, अभी नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या मिल गया? नॉन मेटल ऑक्साइड। समझ में आया? हाँ, तो अभी नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा फॉर्म में मिलते हैं? जब मेटल ऑक्साइड हमें बेसिक इन नेचर मिलते हैं तो उसका बेसिक का कंप्लीट अपोजिट वाला कौन है? एसिडिक। तो नॉन मेटल्स वाले जो ऑक्साइड्स रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक इन नेचर। समझ में आया? हाँ, दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सोल्यूबल सॉल्ट एंड वाटर। ऑफकोर्स एसिड और बेस उनका जो कॉम्बिनेशन होता है तो ऑलवेज फॉर्मेशन में क्या मिलता है प्रोडक्ट? बेस में सॉरी सॉल्ट एंड वाटर। तो सी प्लस ओ टू क्या मिल गया? सीओ टू। एंड ऑफकोर्स वाटर वेपर निकलते हैं। सीओ टू प्लस एन ए ओ एच क्या मिल गया? एन ए टू सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ। अभी जे सिंबल्स आपको दिए हैं वो सिंबल्स आपको रटना ही है। ये एन ए ओ एच क्या है, सी क्या है, ओ टू क्या है, एन ए टू सी ओ थ्री क्या है, ये सब आपको अभी से ध्यान में रखना है ताकि आगे जाके आपको अच्छी तरह से केमिस्ट्री समझ में आने वाली है। देन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड। जब भी ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो सब प्रोडक्ट एसिड रहते हैं। दैट मीन्स ये डाइल्यूट एसिड रहते हैं। तो डाइल्यूट एसिड क्या है? सीओ टू प्लस एच टू ओ, एच टू सी ओ थ्री, विच इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। देन एसओ टू प्लस एच टू ओ, एच टू एस ओ थ्री, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस है, एच टू एस ओ फोर बोलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये जो नंबर्स है ये नंबर्स आपको ध्यान में रखना है। देखो नीचे ही दिया है एस ओ थ्री प्लस एच टू ओ इज इक्वल टू एच टू एस ओ फोर। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। डी नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। ये जो नॉन मेटल्स है वो एसिड के साथ उनकी रिएक्शन नहीं होती है। तो अभी हम यहाँ स्टॉप करेंगे क्योंकि यूजेस है, ये यूजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ऐसा टाइम लेंगे वो। तो थोड़ा मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ, ये देखती हूँ आपको कितना समझ में आया है। किसी को डाउट है? यस हाँ, सबको सबको चांस मिलेगा। अभी पहला किसने बताया है? यस, ये प्रार्थना चौहान है, इसको मैंने अभी चा मौका नहीं दिया था। तो उस आज पहला प्रार्थना तुम रीड करेगी। ओके, और प्रार्थना का हो जाने के बाद ये सुमन को मैं बताऊंगी। हाँ ओके, तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम अपना लेसन का स्टार्ट कहाँ है? यस मिल गया, चलो स्टार्ट करेंगे प्रार्थना। यू कैन स्टार्ट नाउ। यस मैम, मैम यस स्टार्ट नाउ। डू हैव टू रीड द कैनरी कॉल क्वेश्चंस? ओ नहीं, जरूरत नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम मेटल्स। ओके, मेटल्स गोल्ड, ओके सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लैटिनम आर अ फ्यू मेटल्स. मेटल्स हैव लस्टर. द मेटल्स आर हार्ड. वायर और शीट कैन बी फ्रॉम देम मेड मेटल. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयन्स दैट इज कैशन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल्स स्टे इन सॉलिड स्टेट. हाउएवर मेटल्स लाइक मर्क्यूरी गैलियम आर एक्सपेक्शन्स विच आर इन लिक्विड स्टेट इवन एट रूम टेम्परेचर. Can you Yes. recall? You might have seen a doctor's pressure gauge to measure blood pressure during your visit to a dispensary. Accompany your relative. In that, you might have seen a grey-colored liquid in a glass tube. What is that matter?
second. Last year. Take copper vessels at your home, scrub them with lemon and rinse with water. Observe the luster before and after cleaning. Light gets reflected from the cleaned off or freshly cut surface of metal and the metal looks lustrous. Third, hardness. Generally, metals are hard, not soft. Exception. Sodium and potassium are soft and can be easily cut by a knife. Fourth, ductility. Okay. Now you stop. Suman Nerurkar, start you. Suman, are you there? Suman, can you hear me? Okay, next. Amay, are you there, Amay? Okay, then Prarthana, you can continue. Prarthana? Okay, ma'am. Okay. Four, ductility. Have you ever gone to a goldsmith shop? Have you seen the goldsmith making a wire of gold or silver? When a metal is pulled through a hole, its wire is formed. This property of metal is called ductility. Fifth, malleability. Take an iron nail, place it on a platform and keep on hammering it. After some time, you will see a thin sheet forming. This property is called malleability of metals. Six, conduction of heat. Take a copper plate, fix some wax at one of its ends. Heat the other end and observe what happens. Discuss with teacher. Metals are good conductors of heat. Silver, copper, aluminium are the best conductors of heat. Seventh, conduction of electricity. Which metals are used to make electrical wires? Metals are good conductors of electricity. Lead is an exception, which is neither a good conductor of heat nor a good conductor of electricity. A, density. Metals have high density. Sodium, potassium, and lithium are exception, having lower density than water. The density of lithium is only 0.53. Ma'am, how to read that? 0.53 gram per cc. 0.53 gram per cc. Ninth, melting point and boiling point. Melting point and boiling point. Generally, metals have high melting points and boiling points. Exceptions, Fg, Ga, Na, K. Sonority. What is the metal that a school bell is made of? How does a bell is function? Metals are sonorous. They produce sound of striking. Non-metal. Stop. Carbon. Stop. अभी नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्या करूंगी 6:45 को ही मेरा टीचिंग स्टॉप कर दूंगी और वन बाय वन आपको चांस दूंगी रीड करने के लिए. हाँ, कौन कौन इंटरेस्टेड है? वेदांत, मैंने आपको बोला था Mg इज मेटल और नॉन मेटल. Mg इज मेटल. मैग्नीशियम मेटल की प्रॉपर्टी है. देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा. हाँ, और मैंने बता दिया है कि नॉन मेटल्स आर इन गैसेस फॉर्म. मैग्नीशियम इज सॉलिड इन नेचर, तो इट इज 100% मेटल. हाँ, यस, सुमन आपको मैंने बताया था. ओके, नंदिनी ईश्वर. नेक्स्ट टाइम आपको नंदिनी मैं आपको पहले बताऊंगी. हाँ, ओके. कादंबरी. हाँ, ओके, ठीक है, वेरी नाइस. अभी अच्छा, हम यहाँ स्टॉप करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये लास्ट वाले 15 मिनट है वो हमेशा आपका रीड करने के लिए दे दूंगी, तो आप मुझे भी समझ में आएगा आप कैसे रीड करते हो और कैसा आपको रीड करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी. ओके, चलो. So you can leave now.
एक काम तो सही, ये सब